वही तो बात है आखिर मेरी मेहमान नवाजी में, कि गम एक बार आते हैं तो वापस नहीं जाते। मुबारक हो अतिया, आपकी मोहब्बत और मंगनी दोनों बच गई। इमाम मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि मैं तुम्हें मुबारकबाद दूं या अफसोस करूं। दूसरी बार मंगनी टूटी है मेरी, उसमें कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए कि मुबारकबाद बनती है या मात। मेरे ख्याल में हमें खुशी का पहलू निकालना चाहिए। कौन सी खुशी? तुम्हारी जुनेद से शादी की उम्मीद रोशन हो गई है। ये खुशी नहीं, खुशफहमी है। खैर छोड़ें, आपकी मोहब्बत बचाने की खुशी मनाते हैं। बिल्कुल ठीक, मगर ये खुशी आपको अकेले नहीं मनानी चाहिए थी, मेरे साथ मनानी चाहिए थी। अफसोस हुआ मुझे। मत करो अफसोस मुझ पे, मैं अपनी मोहब्बत खोकर बहुत खुश हूँ। मेरे दिल से बोझ उतर गया है, ज़मीर मुतमईन हो गया। और तुम्हें मुबारक हो इमाम। इमाम आपको किस बात की मुबारक? बात तो तुम्हारी तय हुई है ना, मुबारक बात तो तुम्हें मिलनी चाहिए। अतिया खाला, हम बहनों के दरमियान मत बोला करें। ये मत भूलें कि आपकी मंगनी मैंने ही बचाई है और तुड़वा भी सकती। तुम्हारी हमदर्दी, तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारी चालाकी सब जानती हूँ मैं नूर। कुछ नहीं जानती तुम इमाम, तुम्हारी और जुनेद की शादी करवाने की राह हमवार करती है मैं। दूसरों की बातों में मत आया करो, इस घर में तुम्हारी बहन ही तुम्हारी हमदर्द है। खैर सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं लंच करने जा रही हूँ अरसम के साथ। बाय।